हेलो इन्वेस्टर्स, हमारे बॉडी का हाल जानने के लिए डॉक्टर्स कई तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, ऑक्सीमीटर एक्सेट्रा। इनसे मिले हुए डेटा से आपकी तबीयत का अंदाजा लगाया जाता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट की सिचुएशन का पता लगाने के लिए इंडाइसेस जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना ही होगा, मार्केट में तेजी के चलते इंडेक्स में 1000 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है या मार्केट इतने इतने पॉइंट से गिर गया। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिन पर शेयर की बाइंग और सेलिंग की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इनमें BSE पर मोर देन 5500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और NSE पर 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब इन सब का डेटा कलेक्ट करके मार्केट सिचुएशन का पता लगाना ये एक डिफिकल्ट काम है, इसीलिए दोनों एक्सचेंजेस के इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसमें देश के लगभग सभी सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज को शामिल किया गया है और इन्हें ट्रैक करके मार्केट का हाल पता लगाने की कोशिश की जाती है। BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स, इसमें अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनीज शामिल की गई है। इसकी शुरुआत 100 पॉइंट के साथ 1 अप्रैल 1989 को की गई थी, जो आज लगभग 60,000 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही NSE का मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1996 को 1000 पॉइंट के साथ की गई थी और वो आज लगभग 17,000 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अलग अलग सेक्टर के सेपरेट इंडेक्स बनाए गए, जैसे कि BSE FMCG, BSE IT, निफ्टी मेटल एक्सेट्रा। इन इंडेक्सेस में उन सेक्टर की टॉप कंपनीज को कवर किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इंडेक्स की एक और कैटेगरी होती है, जैसे कि BSE Small Cap, BSE Mid Cap, BSE Large Cap एक्सेट्रा। इनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कंपनीज कवर की जाती है। इंडेक्सेस में कंपनीज हर वक्त सेम नहीं होती, कई बार इंडेक्स में से कंपनीज को निकाला जाता है या नई कंपनीज ऐड की जाती है। ये कंपनीज किस क्राइटेरिया पर ऐड की जाती है ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और इन इंडेक्स की क्या लिमिटेशन होती है वो भी हम कवर करेंगे। धन्यवाद।